वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो का एंड तक बने रहिए क्योंकि बहुत शानदार वीडियो होने वाली है आगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो है जिसका रिव्यू लोग दे चुके हैं एक डेढ़ महीने पहले ही, उसी फिल्म के रिव्यू के बारे में, पठान के रिव्यू के बारे में। पठान जो है प्राइम वीडियो पर आ चुकी है तो मैंने देख ली, जैसे ही आई वैसे ही देख ली। अच्छा, फिल्म के बारे में, फिल्म की इतनी हाइप बनाई गई है, फिल्म ने 1200-1300 पता नहीं कितना करोड़ रुपया खर्चा की कमाया है, खर्चा नहीं किया कमाया है, तो क्या सच में ये फिल्म उतना पैसा कमाने लायक है या सिर्फ ये शाहरुख खान के नाम पे चल गई, इसी विषय में आज हम बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, पठान फिल्म है, इसकी लीड स्टार कास्ट में शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, आशुतोष राणा, और यही लीड स्टार कास्ट है इसकी। कहानी फिल्म की मैं बता देता हूँ कि एक वायरस, एक टेररिस्ट है जो कि रोग हो चुका है, मतलब हमारे देश में पहले रॉ का एजेंट होता है, बाद में वो रोग हो जाता है, और रोग होने के बाद में पाकिस्तानी एक जनरल है, जनरल कर्नल जो भी है, वो उसको खरीद लेता है, खरीद क्या लेता है, उसको काम देता है पैसे के बदले में, और ये तो भारत से खिलता हुआ बैठा, ये तो भारत के खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसमें रक्त बीज नाम का एक वायरस होता है, स्मॉल पॉक्स, वो उसको कुछ अपग्रेड करवा देता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। तो बस यही स्मॉल पॉक्स से लोगों को बचाने का काम है पठान का। ये तो है फिल्म की कहानी, और इसमें स्पेशल अपीयरेंस में मिस्टर सलमान खान भी है। तो फिल्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, फिल्म देखो तो देखो बोर के जैसी है, टाइगर के जैसी है, मतलब एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, ऐसी फिल्म ही है। ये फिल्में भी बुरी नहीं थी तो ये फिल्म भी बुरी नहीं है। इस फिल्म में गाने अच्छे हैं, दो ही गाने मैंने तो देखे, एक बेशरम रंग और एक झूमे जो पठान। तो बेशरम रंग ना मुझे तब पसंद आया था ना मुझे अब पसंद आया। झूमे जो पठान गाना बहुत शानदार है, जो सुनता हूँ तो मज़ा भी आता है, मैंने उस पर कई रील भी बनाई है, कई शॉर्ट भी बनाए। एक दो जगह पे दीपिका पादुकोण की जो एक्टिंग थी, मुझे जैसे स्मॉल पॉक्स के बारे में, खास करके उसी सीन के बारे में जब वो बात कर रहे थे, तो वो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों वो सीन मुझे अटपटे लगे थोड़े से, वो मुझे ऐसे लगे कि कुछ तो और होना चाहिए था इस सीन में, मतलब मुझे एक्टिंग अच्छी नहीं लगी या मुझे वो सीक्वेंस अच्छा नहीं लगा या क्या वो सीक्वेंस, लेकिन ठीक है फिल्म की कंटिन्यूसली के लिए वो सीन था। तो एक्शन शाहरुख खान ने बहुत दमदार किया है, ट्रेलर देखते ही मैंने बोला था कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी, ट्रेलर देखा था मैंने, अपने साथ वालों को बताया था ये फिल्म बहुत शानदार जाने वाली है, देख लेना, ये पर्दे फाड़ेगी, और उसने पर्दे फाड़े इतने बॉयकाट होने के बावजूद भी, और कुछ तो बॉयकाट की वजह से भी फाड़ेगी, लोगों ने बॉयकाट किया तो कुछ लोगों ने उसको भर भर के देखा। तो फिल्म जो है अच्छी है, देखने लायक है, बुरी नहीं है, लेकिन मैंने जो बताई ये दो कमियां मुझे उसमें दिखाई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हॉलीवुड को टक्कर दे रही है फिल्म, कोई दिक्कत नहीं है। इस फिल्म में किसी भी तरह से जॉन अब्राहम को आप मिस नहीं कर सकते हैं, जॉन अब्राहम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जॉन अब्राहम से ये फिल्म देखने के बाद आपको नफरत हो जाएगी, जो कि किसी एक्टर के लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट वही है कि आपने एक्टर को देखा और एक्टर ने जो करेक्टर प्ले किया था वो लगा, तो जॉन अब्राहम को देख के आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया कमीना इंसान फिल्म के अंदर, तो आपको जॉन अब्राहम से नफरत हो जाएगी, जॉन अब्राहम इन द सेंस उस करेक्टर जिम से आपको नफरत हो जाएगी, आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा खतरनाक करेक्टर है कुछ। तो ये था मेरा पठान का रिव्यू, अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केमचो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।